मैं मीडिया ने शुरू से आपको कहा है कि किशनगंज लोकसभा का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, और अभी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद अभी आगे हो गए हैं मुकाबले में 168 वोटों से, सिर्फ 168 वोटों से अभी आगे हो गए हैं कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद। सेकेंड पे सैयद महमूद अशरफ हैं जदयू के, और तीसरे पे अब भी AIMIM के अख्तरुल ईमान हैं। और इस तरह का मुकाबला किशनगंज में पहले भी देखने को मिला है। आपने अगर हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो 98 और 99 के चुनाव में कांग्रेस में मुकाबला, किशनगंज में मुकाबला ऐसा ही था। किशनगंज में 98 में लगभग इतने ही 4-5 हज़ार वोटों के मार्जिन से जीते थे 98 में तस्लीमुद्दीन साहब, और सेकंड पे से भाजपा रही थी। 99 में 6 हज़ार वोटों से फिर साजिद शाहनवाज हुसैन भाजपा की जीत गए थे, और तीसरे पे मौलाना असराउल्लाह कासमी रहे थे। तो उसी तरह का परिणाम देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही लगभग 4 हज़ार वोटों से सैयद महमूद अशरफ आगे थे, और अभी डॉक्टर जावेद आजाद कांग्रेस के 168 वोटों से आगे हो गए हैं। और अगर हम पूरे एग्जैक्ट वोटों की बात करें किसको कितने वोट मिले हैं, तो तीनों ही कैंडिडेट अभी 1 लाख वोटों से ऊपर जा चुके हैं। डॉक्टर जावेद आजाद पहले स्थान पर हैं 1,38,095 वोटों से, यानी 138,095 वोटों के साथ डॉक्टर जावेद आजाद पहले स्थान पर हैं। दूसरे पे जदयू के सैयद महमूद अशरफ 1,37,927 यानी 137,927 वोटों के साथ हैं, और तीसरे पे AIMIM के अख्तरुल ईमान 1,17,068 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। मुकाबला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरे बिहार के अंदर इस तरह का मुकाबला कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। हर जगह मार्जिन बहुत ही बड़ा है, सिर्फ अगर जहानाबाद छोड़ दें तो जहानाबाद के अलावा बाकी जगहों पर मार्जिन एनडीए का काफ़ी बड़ा जा रहा है। बस किशनगंज ही सीट ऐसा है जो इतने करीब में, इतने आसपास में मुकाबला हो रहा है दो कैंडिडेट के बीच, और तीसरा कैंडिडेट भी अप्रोच कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे उलटफेर हो सकता है। तो अभी तक का अपडेट ये है कि 168 वोटों से कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आज़ाद आगे निकल चुके हैं अभी किशनगंज लोकसभा का ये अपडेट।